दोस्तों आप सबका स्वागत है कमल्स फूड लैब में, जहां पर हम बनाते हैं हेल्दी, इजी और टेस्टी रेसिपीज। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक बहुत ही शाही पुलाव की रेसिपी, जो कि है नवरत्न पुलाव। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इसमें नवरत्न यानी कि नौ चीजें डाली जाती है, इसीलिए इसे नवरत्न पुलाव कहते हैं। इस पुलाव की खासियत यह है कि ये एकदम खुला खुला बनता है और इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारी कलरफुल सब्जियां डालकर बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं हमने कौन से नवरत्न लिए हैं इस पुलाव में डालने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं आलू, मटर, फ्रेंच बीन्स जिसे मैंने इस तरह से लंबे लंबे काट कर तैयार कर लिए हैं, छोटे छोटे फूल गोभी के फ्लोरेट्स, गाजर, पनीर लिया है यहाँ पर जिसे इस तरह से क्यूब्स में कट करके ले लिया है, और ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं जिन्हें मैंने इस तरह से आधे आधे स्लाइस करके रख लिए हैं, काजू को भी मैंने इस तरह से आधे आधे स्लाइसेस में कर लिए हैं, और किशमिश ली है यहाँ पर। तो ये हो गए हमारे नवरत्न। अब यहाँ पर पैन में मैंने डाल दिया है एक छोटी चम्मच घी। ये जो पुलाव है ये अगर आप घी में बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो सबसे पहले हम इसमें बादाम और काजू को रोस्ट करके तैयार कर लेंगे। तो धीमी आंच पर लाइट ब्राउन होने तक हम इसे भून लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारे काजू और बादाम हल्के ब्राउन हो चुके हैं, तो इस स्टेज पर हम इसमें किशमिश डाल देंगे और 30 सेकंड के लिए सिर्फ इसे भुनेंगे और उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे बोल में। फिर से इसी पैन में दो छोटी चम्मच घी ऐड करेंगे और उसके बाद ये जो हमने पनीर के क्यूब्स करके रखे हैं उन्हें हम फ्राई कर लेंगे। लाइट ब्राउन होने तक पनीर को हमें फ्राई कर लेना है। अगर आप कच्चा पनीर डालेंगे तो पनीर जो है वो टूट सकता है, इसीलिए हम इसे फ्राई कर रहे हैं। दूसरे गैस पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और ये मैंने एक कप चावल लिए हैं जिसे मैंने 15 मिनट के लिए भिगो दिया था, उसे हम डालकर कुक कर लेंगे। पनीर हमारे एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो इन्हें हम निकाल लेंगे एक बोल में और ये जो घी बचा है इसमें थोड़ा सा घी और हम ऐड कर देंगे, लगभग एक टीस्पून जितना, और उसके बाद हम पुलाव का छौंक लगाएंगे। तो यहाँ पर कुछ खड़े मसाले मैं ऐड करूँगी। पहले मैंने एक तेजपत्ता डाल दिया है, एक टुकड़ा दालचीनी का डाल दिया है, 3 हरी वाली इलायची डाल दी है, 4 लौंग डाल दिए हैं और 8 से 10 काली मिर्च डाल दी है, और इसे अच्छी तरह से धीमी आंच पर हम भून लेंगे। खड़े मसाले भुन जाने पर एक छोटी चम्मच जीरा ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पर, और इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। खड़े मसालों की बहुत ही बढ़िया सुगंध आ रही है इस वक्त। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। आलू को हल्का सा मसालों के साथ भुनेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे फूल गोभी, थोड़ा सा इसे भी भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक, मिक्स करके ढक्कन लगाकर इसे हम कुक करेंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। 4 मिनट हो चुकी है तो इसे चेक कर लेते हैं। हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं हमारे गोभी और आलू। इनका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है, जब ये इस तरह से ब्राउन हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया सा इसका स्वाद आता है। आलू हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, मैंने चेक कर लिया है। तो अब हम डाल देंगे गाजर, बीन्स और मटर। यहाँ पर लगभग 70% हमारे आलू और गोभी कुक हो जाए उस स्टेज पर हमें इन सब्जियों को भी ऐड करना है, और थोड़ी सी क्रंची रहे उतना ही इसे हम पकाएंगे। तो ये जो हमारी सब्जियाँ हैं सब कुक हो चुकी हैं। एक अच्छा सा मिक्स देके अब हमारे जो पके हुए चावल है, चावल में से मैंने पानी निकाल के इस तरह से एक बड़ी सी थाली में उसे डाल दिया था खुला करके, ताकि एकदम खुले खुले हमारे चावल रहे, और इसे मैंने सिर्फ 80% पकाया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा नमक और डाल देंगे, हमने जो पनीर को फ्राई किया था वो डाल देंगे। साथ ही में मैंने कुछ धागे केसर के 2 चम्मच दूध में भिगो कर रख दिए थे 15 मिनट के लिए, तो ये जो केसर वाला दूध है इसे भी हम डाल देंगे। और उसके बाद हम डाल देंगे हमारे जो फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स थे वो, और 1 टेबलस्पून नींबू का रस, और बिल्कुल हल्के हाथों से सभी चीज़ों को अच्छी तरह से एक मिक्स दे देंगे। उसके बाद ढक्कन ढक कर कढ़ाई को 3 से 4 मिनट के लिए मैंने स्टीम होने दिया था। और ये देखिए दोस्तों 4 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया सुगंध आ रही है इस पुलाव में से, केसर, खड़े मसालों की, सभी की बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें से, और हमारा जो पुलाव है वो एकदम खुला खुला बनकर तैयार हुआ है। अब इसे गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे।
दोस्तों ये जो पुलाव है इसे आप दही या किसी भी रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, साथ में अचार और पापड़ सर्व करें तो बहुत ही बढ़िया लगता है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों एकदम कलरफुल और एकदम शाही हमारा पुलाव बनकर तैयार हुआ है, तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। ऐसी ही नई नई और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।